आजिरा भिडियो रे मु तुम मानकु शब्द एवं शब्दर विभाग विषय रे आलोचना करिवि। अच्छा कहले देखि शब्द काहु कहंती? हां शब्द होउछि अर्थबोध निमित्त एक बा एकाधिक वर्णर समष्टि। आमे जेंति कहौचे हां नाही ये होउछि हमर शब्द। जदि केही हमकु जाने प्रश्न पचारि तिबाजि खाइ छ आमे हां कहिले से जानि पछि हां आमे पुते खाइ छि। जदि आमे अर्थहीन किछि कहिबा अर्थ नाही परिवर्ते आमे कहबा हिना बा कोन आशा परिवर्ते आमे कहबा सवा तारे अर्थटि संपूर्ण बुझि हेबो नै तुम ताहा होछि अर्थहीन। तेनु शब्द साधारणत कोन हबो अर्थबोधक एक बा एकाधिक वर्णर समष्टि को आमे कहबा शब्द। साधारणत शब्दर स्वरूप कथा आमे आलोचना करबा देखिबा एही शब्द गोटी अक्षर विशिष्ट होई पारे उदाहरण स्वरूप हां बा ना। दुई अक्षर विशिष्ट होई पारे घर किंबा द्वार किंबा आस जा एसु दुई अक्षर विशिष्ट होई पारे। तीन अक्षर विशिष्ट कलम हो कमल हो एरा तीन अक्षर विशिष्ट शब्द। सेमती चार अक्षर विशिष्ट चक्रधर चार अक्षर विशिष्ट चक्रधर। सेमती पांच अक्षर आकाश वाणी। सेमती छ अक्षर हमर पद्मलोचन। एमती हमर साधारणत गोटी अक्षर आरंभ करी छ अक्षर सात अक्षर पर्यंत जानि आ अधिक प्रायतः कोन शब्द सेमती व्यवहार करा जाय नाही। तब हम देखिबा व्यवहार दृष्टि उच्चारण ओ अर्थ आधार रे शब्द गुडी को हमर प्रतिशब्द समुच्चारित शब्द विपरीत शब्द एवं समार्थबोधक शब्द आदि विभिन्न विभाग रे विभक्त होईछि। एताला शब्दर कथा प्रथम देखिया शब्दर विभाग। हम ओडिया भाषा रे पिले माने उत्पत्ति दृष्टि रु चारि प्रकार केते प्रकार चारि प्रकार शब्द व्यवहार करथम सेगुडी को कोन कोन एक हला तत्सम तद्भव देशज एवं वैदेशिक। आज आमे सेही तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक शब्द विषय रे आउ टिके भलो भाबरे आलोचना करबा। प्रथम प्रश्न आसे तत्सम शब्द कहिले कोन बुझ बा तत्सम शब्द काहाकू कहंती। प्रथम देखबा शब्द शब्द प्रकार दृष्टि रु प्रकार दृष्टि रु केते प्रकार चारि प्रकार चारि प्रकार रो एक रे कोन तत्सम तत् सम दुई रे ला तद्भव तत् भव तीन ला देशज तापला वैदेशिक वैदेशिक। त प्रथमे मे आलोचना करबा तत्सम शब्द तत्सम तत् अर्थ ता ताहा सम बा तापरी माने कोन जो शब्द आमे आम ओडिया भाषा रे व्यवहार करूछे बा विशेष करी आमर जो ओडिया अभिधान अछि से ओडिया अभिधान रे आमे ताकु पाई परबा खोजिले त सेही शब्द गुडी को प्रकृत तार उत्पत्ति होछि संस्कृत भाषा। त संस्कृत भाषा रु सीधा सळक कोनसी प्रकार परिवर्तन नहि ओडिया भाषा रे तेबले व्यवहार करा जाउछि ताकु आमे कहबा तत्सम शब्द बुझिगला। सीधासळख संस्कृत भाषा रु आसी ओडिया भाषा रे व्यवहृत होइतिबा शब्द को आमे कहबा तत्सम शब्द। तारण को रहै परे नदी आपनकर अरण्य अनळ इभळी घृत इभळी शब्द जहा कि संपूर्ण भाव रे आसी कोथु संस्कृत भाषा। तेनु संस्कृत भाषा रु आसी कि वर्तमान ताहा आम ओडिया भाषा रे व्यवहार करा जाउछि। इभळी अनेक शब्द मध्ये आमे दैनन्दिन जीवन रे व्यवहार करूछन्ति। तापर आम देखा तद्भव तद्भव अर्थ कौन तद उभव तहीं तद्भव शब्द अर्थ देखिले आम तद्भव तहीं उद्भव उद्भव बा तहीं सृष्टि तहीं सृष्टि ये तहीं कौन तहीं अर्थ कौन ये संस्कृत रु संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा रु संस्कृत भाषा शब्द। अच्छा देखा जाए कतेक शब्द संस्कृत शब्द रु कौन आसी किंतु ता परिवर्तन भाव में व्यवहार करा जाय छी ओडिया भाषा रे। जेमिति आमे कौन तत्सम शब्द हिसाब से घृत नेला को आमे कौन करछी तद्भव शब्द हिसाब से घी नुछी व्यवहार करछी। त
तेणु तद्भव शब्द कौन गुरुत्वर आपणकर घिय से भाव में आम कौन कर चंद्र चंद्र हूँ कौन आपणकर दशम शब्द आम एर कह चांद तापर आपंकर आस कौन मन कर माता माता टी आम हम संस्कृत भाषा दशम शब्द किंतु ता परिवर्तन है कि मा तेणु ये तद्भव शब्द दि प्रकार गोटे हूँ अर्ध तत्सव गोटे तद्भव गोटे हूँ अर्ध तद्भव केतक शब्द आम धरतु पराण जोटा कि आम पद्य रूप व्यवहार कराचे से पराण हौ सेने हौ एगुड़क सब हूँ अर्ध तद्भव शब्द तेणु प्रथम आम जानते तत्सम एवं जानते तद्भव तापर आसवा कौन देशज पाने आम जाणी कथार अच्छी देशे के फाक नई के बाक आम आम ओडा कथा चिंता करवा जो बर्तमान जिला गुड़िक अच्छी सब जिले समान भाव भाषा जदि आमर ओडार भाषा हूँ ओडिया भाषा आम समस्त मातृभाषा हूँ ओडिया किंतु आमर ओडिया भाषा सब जगार समान भाव में आम कथबार्ता होना व्यवहार करूना कतक जगह देखा देशियों भाषा आंचलिक भाषा जो कहे से आंचलिक भाषार व्यवहार कर तत्सम तद्भव भाषा सहित आमर देशज भाषा व्यवहार करन्न देशर विभिन्न अंचल लोक मैंने आंचलिक भाषा हिसाब से ग्रहण करती जमीक आप देखते तो काउ केतक जगार काउ को कहते कुआ क्या काउ को कुआ तरकारी की आपत जगह क्या कौन तीयण बा टूण आउ कौन कहुए ना आप चुआ जो छोट छोट कौन थी जमी मानक गोटे पाखे कड़े कि कौन थी किसी खालुआ जगह जगह थी जो थे पा थी कहते केतक जगार चुआ केतक कहते गड़िया यही भाव आमर देशियों अंचल आमर भाषा व्यवहार कराए जहाँ कह देशज भाषा आमर सहरांचल भाषा एवं ग्रामांचल भाषा मफसल अंचल भाषा ये टिके फरक अच्छी जहाँकि वर्तमान सुधा आमर ओडिया भाषा आम व्यवहार करपर आम आसला विदेशी भाषा वैदेशिक भाषा आम संपूर्ण भाव जाणीचे जे आरबीय जिते भारत को आसिले आम इतिहास पढ़ी आरब इनवाजन सिंध तेणु आरबीय मानक सहित आमर अनेक बहिर्भारत लोक मैंने जहाँ कह विदेशी मैंने आम भारत को विभिन्न समय आने किए से आपंकर आरबी पारसिक आपणकर पर्तुगीज आपणकर इंग्रेज एवं इमानकर भाषा देखा जाम आसिक आम भारत वर्ष क्षण रही किसी दिन रही तो से समय लोक मान सहित भाव आदान प्रदान कराफल कहती आम देशर लोक मैंने से मानते विदेशी भाषा शिक्षा कर विदेशी लोक मैंने आम भाषा शिक्षा कर तो से आम ओडार लोक मैंने विदेशी लोक मान संस्पर्श आसी विदेशी भाषा को ग्रहण करतमान आमर ओडिया भाषा आम व्यवहार करमी आम देखा कौ कौन आम आसारत को आशा को विशेषकर आम देखा आम पर्तुगीज मैंने आर्तुगीज पारसिक पारस लोक मैंने पारसिक इंग्रेज एमाने आई कि आसला से भाषा को आम कौन करम भाषा ताकू ग्रहण कर पर्तुगीज आई चाइना भाषा व्यवहार करम कौ कौ भाषा व्यवहार करें गोटे गोटे उदाहरण मध्यम जारी ना प्रथम जिनस जो आरबीय भाषा आसिले आम कौ कौ भाषा शिखिले अकल ए भाषाटी आरबी भाषा अकल ईसरा आउ आपणकर हूँ कौन जिला किला एगुरा सब आरबी भाषा तापर आमर है पारसी भाषा पारसी भाषा कौट आसा आपणकर पारसी आईन जो कह आईन कानून कहे आईन हूँ आमदानी हूँ एगुड़क हूँ आमर कौन पारसी भाषा तापर आम तुर्की भाषा तुर्की लोक मैंने आस भाषा कौन है ना आप जो आसला कुली हूँ कि गालीचा हौ कि तोप हौ बंदूक हौ एगुड़क आमर है साधारणतः कौन ना तुर्की भाषा तापर आसे पर्तुगीज मैंने पर्तुगीज मैंने देश को आ से कहले कम शिखिले कौन कामिजी आलमारी नीलाम यू शब्द आम व्यवहार कर चीना लोक आम शिखे जो आम व्यवहार कर चीनी ये सब हूँ चाइना भाषा तापर आसे इंग्रेज इंग्रेज आम जाने दीर्घ 300 वर्ष तक आम देश में शासन कले से बहुत भाषा आम कौन कर शिक्षा करे जहाँकि बर्तमान आम ओडिया भाषा से इंग्रेज भाषा गुड़क बर्तमान व्यवहार कर देखु अधिकांश बेले आम देखा पाइबा शुणा पाइबा टेबुल पेनटा थुआई प्रकृत टेबुलटा गोटे इंग्रेज शब्द
ଏବଂ ପେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ଟେବୁଲର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମେଜ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟେବୁଲ ଛଡ଼ା ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମେଜ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରିକ୍ସା ପିଲରଟିଏ ନହେଲା କାହିଁକି, ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ କହିଲେ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ଯାଉଛି ଜାଣିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସଚିବାଳୟ କହିଲେ ଚିହ୍ନାହିଁ। କ୍ୟାପିଟାଲ କହିଲେ ଚିହ୍ନି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ କହିଲେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ଆମ ଭାଷା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଶିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକେଲ, ସାଇକେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଂରେଜ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ। ମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ସବୁ ମନେ ଥିବ ତୁମର, ତଥାପି ଟିକିଏ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ଆଜିର ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଶବ୍ଦ କ'ଣ, ତାପରେ ଶବ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଶବ୍ଦର ବିଭାଗ ଅର୍ଥ ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଚାରି ଭାଗରେ, ଯଥା ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଲେ ନା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏହା କାମରେ ଆସିବ। ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ତାହା ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। ଆଶା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତୁମେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ତୁମର ସୁଚିନ୍ତ ମତାମତ ଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ମତାମତ ଦେବେ ସେହି ମତାମତକୁ ନେଇକରି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସୁଧାର ଆଣିବୁ। ଏବଂ ଆଶା ଆମର ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।